हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय श्री राम मेरे सारे प्यारे भाइयों को। भाई बहुत खुशी का अवसर है आज, अपने राम मंदिर की ओपनिंग काफी ज्यादा खुश है। कल भाई रैली में आपने तो बहुत ज्यादा खुश कर दिया। बाकी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कल तो खैर मैं टाइम से पहले पहुंच गया था, बट आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि भाई पानी लिटरली बहुत ज्यादा ठंडा था और आज पता ही नहीं क्या हुआ, मम्मी ने गीजर भी ऑन नहीं किया। वैसे है ना, मेरी एक प्रण चल रहा था कि भाई इस सर्दी मैं सिर्फ ठंडे पानी से नहाऊंगा, बट कल भाई मैं जल्दबाजी के चक्कर में, मेरे के पास बहुत ज्यादा ठंडा पानी था और मैं गर्म से नहा लिया, तो वो कल टूट गया था। बाकी आज मैं फिर ठंडे पानी से नहा लिया। बेशक भाई अपने यहाँ पे 6 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, पर फिर भी हम ठंडे से नहा लिए, जान बहुत है भाई देही में। बाकी अभी फिलहाल चल रहे हैं अभिषेक के पास, आज है भाई भंडारा, तो पहले अब अभिषेक के पास चलना है। हाँ, उसके पास पहुंच के आज एक प्यारा सा काम करते हैं, छोटा सा और बड़ा प्यारा सा, जिससे दिल को खुशी मिलती है हमें हमेशा। और उसके बाद एक और मस्त सी वो बताऊंगा तुम्हें कि भाई इस अवसर पर हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अभिषेक के पास और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। बहुत खींच कर ड्राइव कर रहा हूँ आज मैं, चलो। हम आ चुके हैं अभिषेक के पास। अभिषेक आज हमको करना क्या है? जय सीताराम सीताराम सीताराम। बट आज करना क्या है हमको? आज हमको जो भी हो ना, हाँ, जो भी हो, जो दिल में आ रही हो ना, फिलहाल तो ये करना है। फिलहाल तो ये करना है क्योंकि तो गायन में सब हमारे और पता बैल ही ऐसे जो है ना, हाँ, ये सारे डोल रहे हैं। देखो जो बात है सही है। हाँ, और राम राम जी इनके भी तो हैं यार, सबके हैं राम जी, है ना? तो बिल्कुल राम जी इनके भी तो हैं। तो देख लो गाइस, हम खवा रहे हैं आज पहलों को गुड़, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड बहुत ज़्यादा यार, जो बात है ठंड बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक आजकल के ना युवाओं का वो है कि भाई गायों को तो देखो घर की माता बहनें भी खवा देती हैं गायों को रोटी, सुबह सुबह एक रोटी निकलती है, बट जो बैल होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होता यार। वो भी जानवर हैं और वो भी अपनी नंदी देव है। अगर गाय हमारी माता है तो बैल हमारा बाप भी है, बाय उसमें के भाई शास्त्रों में मानते हैं, क्योंकि भाई बैल ही मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाता है ना, उस वे में भाई बैल हमारा बाप भी है। ठीक है, तो हमें इनका भी ख्याल रखना चाहिए। और गाय हमको दूध पियाती है तो वो हमारी माँ है। ठीक है, तो इसमें शर्माया मत करो। नो बात नहीं बनेगी, कैसे कचरा खाते हैं बैल यहाँ पे, तो ये चीजें सही नहीं होती। बैल हैं सारे कचरा खा रहे हैं, तो इनके लिए भाई हम गुड़ लेके आए आज। बाकी इनको खाना भी देते रहते हैं, थोड़ा सा कुत्ते को भी देते। ज्यादा मीठा ना खाएगा कुत्ता, इतना ना इसे दे दे डली छोटी है। हम घूमते फिरते पहुंच चुके हैं वापस मंदिर में। मंदिर आप देख लो भाई, कितना प्यारा लग रहा है मंदिर पीछे से। बाकी चलो मंदिर में चल रहे हैं फिलहाल, और अभी भंडारा चल रहा है तो वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कराते हैं, बंदों की सेवा करानी है। और अपना गुड़ भाई थोड़ा सा रह गया है, तो इसको भी खवा के सीधा निकलते हैं मंदिर में। ये सामने 2-3 बैल खड़े हैं, नंदी जी खड़े हैं और बामन तो चलो भाई चलते हैं जल्दी से मंदिर में और इनको पहले गुड़ खिलाते हैं। ठीक है, बट आई विल डू इट। नहीं, गिर गया, रह गया।
जस्ट अभी मैं मंदिर से आया हूँ और मैं कह रहा था ना कि आज एक बहुत प्यारी चीज करते हैं हम भाई। आज के दिन लोग कुछ दान कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, हम करने जा रहे हैं भाई सबसे बड़ा दान जो कि है रक्तदान। मैं हूँ अमन, है मनीषा और मोहित, हम चार जा रहे हैं भाई अभी मेदांता हॉस्पिटल और वहां हम करेंगे भाई आज अपना रक्तदान। काफी खुशी मिलती है भाई अगर कुछ हम किसी के लिए करते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है। ऐसा आपको भी करना चाहिए। बाकी हमने कुछ अलग सोचा था, यूनिक सोचा था कि भाई कुछ यूनिक करना है, तो हमें सबसे यूनिक यही लगा कि भाई क्यों ना रक्तदान किया जाए। बाकी अगर भाई कभी ना कभी कैसे ना कैसे हमारा खून किसी काम आ गया तो क्या बुरा हुआ, इस वजह से हम जा रहे भाई रक्तदान करने। तो भाई जल्दी से हम अनर को लेते हैं और निकलते हैं फिर सीधे हॉस्पिटल के लिए, ठीक है चलो। तो भाई हम फिलहाल हॉस्पिटल तो आ चुके थे और यहाँ पे अभी है ना एक चैलेंज हुआ है कि भाई हम सारे खाली पेट हैं, हैं? और अभी सेंट फ्रेश खा रहे हैं वैसे तो, है खाली पेट है और सारे खाली पेट ही खून देंगे। महुआ की है भाई फट रही है क्योंकि महुआ कह रहा है कि कह रहा है महुआ मोटी सुई फाटेंगे दर्द भाई वो भाई देखा वो कह रहा है बाकी जिसे चक्कर आ गए वो खत्म है हमारे बीच में। हम खून देंगे कोई हमारा खून देगा फिर। चलो भाई देखा फिर कह रहा है कैसा फील हो रहा है। अच्छा अच्छा डरना लग रहा मोवा लग रहा है सुई से तो हम खेलते हैं मोवा को लग रहा है मोटे डर लग रहा है नहीं मोवा को फट रही है मोवा की मोवा डर लग रहा है ना हम खेल रहे हैं फिर नू क्यों कह रहे हो कि मोटी सुई लगेगी सुई बढ़ावा या तो ना डर तो है भाई इसका फेस देखो फटी पड़ी है ससुरे की फेस देखो भाई इसका मोहित देख इसकी पटी पटी साड़े की गाइस हम दे रहे फिलहाल ब्लड सॉरी प्लाज्मा और महुआ को देख लो एक बार आज की लड़ा रहा है साला कुत्ता। बाकी यहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है और मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ देख लो तुम्हारे भाई का टोरे बहुत कर रहा है तेरा भाई। गाइस यहाँ पे ये कुत्ता भी आ चुका है ये भैंस तो पहले से पड़ी है यहाँ पे और अमन का भाई ब्लड नहीं लिया गया यहाँ पे भगा दिया वो ओए अमन क्यों भगा दियो बेचारो भगा दियो रोल लग रहा हो बाहर बैठ के। बाकी जल्दी से ब्लड देते हैं और निकलते फिर यहाँ से ठीक है लेट हो रहे बहुत ज़्यादा मंदिर में भी जाना है बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मिस कर दी आज मंदिर में। बाकी क्यों ना जाऊँ चुप रहे हैं बहुत सी चीज़ें मिस कर दिया बट शाम को अपने को दिए जलाने काफ़ी ज़्यादा तो उसी का इंतज़ार अब जल्दी से होता है डेढ़ घंटा लगेगा इसमें अभी तो जैसे ही होता है अपन निकलते हैं यहाँ से ठीक है। भाइयों पागलों को 52 मिनट हो गए मेरा तो बस हो ही लिया यार मेरा रह गया 4 मिनट तेरी कसम टाइट होएगा अब तेरा टाइट होएगा टाइट ना वो अब ये दमा ना तेरी बाजू टाइट होगी बाजू टाइट हुई भाइयों तो फिलहाल हमने डोनेट कर चुके हैं भैया अपना प्लाज्मा और मोहित हाउ इज योर फीलिंग चक्कर आ रहे दुनिया कहाँ है मारो तो आई ना रहे सारी चीजें ने छोड़े भाई यो भगाए हो कैसे यो जो एक बार भाई देख लो एक बार इसकी
शकल देख लो यो रो भगा दियो भाई यो महुआ महुआ जरूर कुछ कहना चाहेगा इस पे यो भगाया क्यों कुछ भी ना हो रहा, खून गाढ़ा हो रहा है भाई इसका, तो इस वजह से मना कर दिया। काफी ज्यादा गाढ़ा हो रहा है और मैं ली काट दूंगा मन यो लिया बस तू थैली सी और वो सुई सी आवे तो निकलता भी नहीं है वो भी किसी रीजन से होगा ना। पहले इसका खून पतला होगा, खून तो मशीन तो खून पतला होगा, उसके बाद इसका वो होगा, खून लिया जाएगा, वैसे नहीं लिया जाएगा ठीक है। बाकी चलो भाई आज का लोग यहीं पेंड करते हैं और इसका सेकंड पार्ट गिरेंगे आपको रात को, क्योंकि रात को भाई हम बनाने वाले दिवाली बढ़िया वाली, और अगले ब्लॉग में आपको दिखी जाएगा। कल रात आएगा 8 बजे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, जय बोल रहे।